ठीक है, पेपर लीक सरकार है, जिस सरकार में पेपर हो जाता है लीक वो सरकार है वीक। और सुनिए, पेपर लीक करवाता कौन है? पेपर लीक हम लोग करवाते हैं। 2014 में खाली मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। अब मुस्लिम बात किया, इसलिए बोले हैं मुस्लिम बात करने वाले नहीं थे। 2014 से पहले खाली मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसलिए फट रही, इसलिए फट रही सबकी, इसलिए फट रही। तानाशाही तो चली नहीं है, ये तानाशाही तो है ही, और क्या चल रहा देश में? चल रही था डिक्टेटर सिर्फ उसको कहते हैं, इनको बताया नहीं गया। डिक्टेटर यहाँ जो खड़े के बोल रहे हैं ना, यहाँ बोल ना पाते डिक्टेटर, उसको जिससे खुलेआम बोल रहे हैं। दक्षिण कोरिया में किसी हिम्मत नहीं बोलने की, उसको डिक्टेटर बोलते हैं। और ध्रुव राठी बढ़ा दिया इनको, ये सब ध्रुव राठी चमचे हैं। अभी आपने कहा कि जो जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो ईडी सीबीआई के डर से आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग भ्रष्ट थे, घोटालेबाज थे, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी उनका संरक्षण क्यों दे रही थी? क्या कारण है कि पार्टी में सुरक्षित थे? इस देश के 90% राजनेता भ्रष्ट हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के भ्रष्ट है, ये तानाशाही है। बीजेपी के नेताओं को वाशिंग मशीन चले जाते हैं, सर्टिफिकेट पार्टी नहीं, 28 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने नेताओं पे पड़ा? जी तो कह रहे हैं कि हम भविष्य सवार रहे हैं, विश्व गुरु की ओर भी जा रहे हैं। भारत में 10 सालों में इतनी तरक्की हो चुकी है, जो पिछले दशकों में नहीं हुई है। उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। उन्होंने बीएसएनएल को खा के जियो को आगे बढ़ा दिया, बहुत सी तरक्की की है। उन्होंने अडानी को आगे बढ़ा के बहुत भी तरक्की कर दी। उन्होंने अंबानी को इतने ऊपर पहुंचा दिया कि गरीब वहां वर्क नहीं कर पा रहा। क्या शुभ नाम लीजिए? अडानी अंबानी की सरकार हो गई है। रुद्र शुक्ला, पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं भाई साहब कि बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, बच्चे हमारे काम नहीं मिल रहा है, एम्स हॉस्टल नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा है, इनको दिख नहीं रहा है कि हर जगह लोका। पहली बात तो 10 साल जो 10 साल ये बोल रहे हैं, पिछले अगले 70 साल की बात कर लिया जाए, अगर 70 साल में जो बना था ये क्या बनवाए थे, ये क्या बनवाए थे? 7 IIT दिए थे, उसके बाद से कितना हुआ बढ़ना नहीं बढ़ा? एम्स कितना दिया था? 2 एम्स दिए थे ये, नहीं एम्स नहीं बढ़े। बेच के खाए जा रहे हैं, बेचा कुछ नहीं जा रहा है, बेचा इनको लगा कि ये जो बेच रहे हैं इन्हें इनको हमने किसको लोन दिया? ये कह रहे हैं किसको बढ़ाए? विजय माल्या, विजय माल्या को हमने वो लोन दिए, लोन इन्हीं पार्टी दी थी सूरज। और रही बात की पार्टी, कांग्रेस पार्टी बात कर रहे हैं और क्या? ये बताइए सबको मिलना क्यों पड़ा, सबको क्यों मिलना पड़ा? जब राजा से जब चोर सबसे चोर एक तरफ मिल जाए तो राज चोर नहीं होता है, राजा शेर है, ठीक है। सारे चोर एक तरफ मिल गए हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्यों मिले सारे चोर एक तरफ? यही जो इनकी पार्टी थी, सब आपस में एक उंगली उठाते थे, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, चाहे आप हो, यही आप कहती थी कभी कांग्रेस को वोट मत देना। आज आप कांग्रेस से मिल गई, क्यों मिल गई कांग्रेस? अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में भरोसा मत करना, ये बदलाव क्यों क्यों मिल गए, क्यों मिल गए उनसे आके? ना मिलते अपने 70 साल की पार्टी है वो, क्यों अकेले चुनाव लड़ रही है? 70 साल की पार्टी में इतना दम नहीं है? 70 साल की पार्टी है, इतनी औकात नहीं कि अकेले चुनाव लड़ ले? क्यों सबसे मिलना पड़ा, क्यों सबसे मिलना पड़ा? अच्छा आपसे एक सवाल मेरा ये भी है, तानाशाह उसको कहते हैं कि कोई इंसान बोल ना पाता। तानाशाह अगर मोदी होता ना, खड़े बोल ना पाते हम, भुनवा देता। चाइना तानाशाह है, इसराइल तानाशाह है, दक्षिण कोरिया वहाँ बोल दो एक अक्षर, बोल दो गोली मार देगा तुरंत, वो तानाशाह है। ये तानाशाह है, यहाँ खड़े हो बोल रहे हो तुम, खड़े हो के ऐसा तानाशाह है? ये कैसा तानाशाह है जिसके मुंह पर उसे तानाशाह कहा जाता है, मौत का सौदागर कहा जाता है, इस तरीके की वाणी? आप एक बात बताइए, जैसा इन्होंने कहा ये बात है, बच्चे इनसे पैदा हो नहीं रहे हैं, दादा को अपने नपुंसक बता रहे हैं, विकास इनसे हो नहीं पा रहा है, विकास इनसे हो नहीं पा रहा, काम हो नहीं पा रहा, गड्ढा मुक्त देश सरकार बना रहे हैं। विकास नगर में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, 2 ट्रक समा गए उसमें, आप समझ, नालियों सफाई हो नहीं पा रही, नाले ढके नहीं जा पा रहे, बच्चे रोज के बेरोजगार घूमने में पड़े हुए, महिला मिलने बेरोजगार है, अभी बच्चे बेरोजगार, बच्चे बेरोजगार। 2019 में 19% बेरोजगारी थी, आज 10% है, 9% कहाँ गई? 19% आप गूगल कर लीजिए, ये बताइए बेरोजगारी नहीं आपने कहा, ये बताइए 62,000 वैकेंसी, 65 लाख युवा फॉर्म भरता है, बेरोजगारी नहीं है? 65,000 वैकेंसी, 65 लाख युवा फॉर्म भरता है, बेरोजगारी नहीं है? सुनिए आरओ का पेपर लीक है, आरओ का पेपर लीक, यूपीपी का पेपर लीक, ठीक है, पेपर लीक सरकार है, जिस सरकार में पेपर हो जाता है लीक वो सरकार है वीक। और सुनिए पेपर लीक करवाता कौन है? पेपर लीक हम लोग करवाते हैं, पेपर लीक करवाता कौन? ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी की सरकार आ चुकी है, क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल है? पेपर लीक हम करवाते हैं, आपने गवर्नमेंट करवाती है, पैसा कौन देता है? पेपर लीक करने के लिए पैसा कौन देता है? पेपर लीक हम करवाते हैं, जनता करवाती है। मैं एक बात कहूंगा, कुछ अनपढ़ कह रहे हैं,
कुछ अनपढ़ कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, नीट का पेपर हुआ है, सिलेबस आया था कि उसका पेपर होगा, वो दिखाने के लिए आया था। सालों में आपके हिसाब से चिल्लाइए मत भाई साहब, कह रहे हैं चिल्लाने से कोई बात सही नहीं होती है। लाकर आवाज वो दबाता है जिसकी नसों में दम नहीं होती है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए, जैसा भाई साहब बता रहे हैं लीक लीक, ये कहें लीक हम करवाते हैं, आप सपोर्टर आप लीक करवाते हैं, आप कर रहे हैं सपोर्टर नहीं। आपके हिसाब से 10 साल हो गई है मोदी सरकार को, 10 साल हो गई है, क्या 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड में तरक्की बिना बिना हिंदू मुस्लिम बिना जात के बिना ऊंच नीच के इनकी सरकार चलने वाली बात नहीं, अभी तक नहीं बोले। कर्नाटक में जाके बोल रहे हैं कि मुसलमान को ये घुसपैठियां बोल रहे हैं, आप सुनिए बातचीत को। हिंदू मुस्लिम 2014 में 2014 में खाली मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब मुस्लिम बात किया इसलिए बोले हैं, मुस्लिम बात करने वाले नहीं थे 2014 से पहले, खाली मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसलिए फट रही, इसलिए फट रही सबकी, इसलिए फट रही। चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों को फटकाया जाता है, रोजगार की तरह हिंदू सब सब हर बार सर यही होता है, हर बार हर चीज कर, एक सेकंड कौन कर, हर पार्टी करती रहती है, हर पार्टी करती रहती है, सबसे ज्यादा तो बीजेपी, कुछ भी नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम हिंदू है, पुणे वाला भूल गया लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, वो भी मुस्लिम ही है और कितना कट्टर हिंदू है वो। अरे भाई वो उस पे मत जाओ, आपकी डीएनए करवा के हिसाब से सरकार किसकी आनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी होना चाहिए, राहुल गांधी होना चाहिए, हां बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको ये देखना चेंज जरूरी होता है, अगर ऐसे चलता रहेगा एक साथ 70 साल का चेंज किए, फिर क्या नहीं चेंज, कहे नहीं गवर्नमेंट चेंज किए 70 साल में, क्या चेंज कर लिए वो, क्या किए, खाली वक्फ बोर्ड को दे रहा जमीन, वक्फ खाली खाली वक्फ बोर्ड को, हिंदू मुस्लिम बात के हिसाब से ये वक्फ बोर्ड की जो दे रहे थे जमीन, जमीन जब 70 साल की गवर्नमेंट थी, जब 70 साल जमीन थी तो वक्फ बोर्ड को जमीन दे रहे थे, तब आईआईटी तब आईआईटी तब एम्स नहीं दिख रहे थे, जब इनकी गवर्नमेंट थी तब वक्फ बोर्ड जमीन देना, कर्नाटक में बोर्ड ने कही है कि हमको जमीन चाहिए अपनी, माल हिसाब से वक्फ बोर्ड पर जो अधिकार है हटना चाहिए, और क्या हटना चाहिए, वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, सिंपल सी बात है, सारी सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है वक्फ बोर्ड के पास, क्यों है, क्योंकि इन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है। लियाकत लियाकत समझौता क्यों हुआ, लियाकत समझौता क्यों हुआ, शिमला समझौता क्यों हुआ, सिंधु को पानी क्यों दिया गया, पाकिस्तान 2 बटे ज्यादा दिया गया क्यों दिया गया, लियाकत समझौता शिमला समझौता तास्कन समझौता क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इन्हीं के नाते हुआ, कांग्रेस के नाते हुआ नहीं, तास्कन समझौता में इंडिया जीत रहा था। फिर आदिल सिद्दीकी क्या लग रहा है ये, देखिए 24 का चुनाव में इस बार भाजपा 400 पार की बात कर रही है, कह रहे कि कांग्रेस ने देश को बांटा है, देश को बर्बाद कर दिया है, मोदी जी आज भी ये बोले हैं अपने संबोधन में कि देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस। पहली बार चुनाव आयोग को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, मोदी जी पहले चरण में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, पहले चरण में नाकाम हुए, दूसरे चरण में हिंदू मुसलमान आए नाकाम हुए, तीसरे चरण में प्रशासन की लाठियों के जरिए जीतना चाहते थे मोदी जी, आज जो चुनाव हुआ है मोदी जी प्रशासन की लाठियों से जीतना चाहते चुनाव, इसीलिए मैं चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग बंद करके पुलिस के जरिए वोट करा ले, पुलिस जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा ले। तानाशाही वाली तानाशाही तो चली नहीं है, ये तानाशाही तो है ही, और क्या चल रहा देश में, चल रही था डिक्टेटर सिर्फ उसको कहते हैं, इनको बताया नहीं गया, डिक्टेटर यहाँ जो खड़े के बोल रहे हैं ना, यहाँ बोल ना पाते डिक्टेटर, उसको जिससे खुलेआम बोल रहे हैं, दक्षिण कोरिया में किसी हिम्मत नहीं बोलने की, उसको डिक्टेटर बोलते हैं, और ध्रुव राठी बढ़ा दिया इनको, ये सब ध्रुव राठी चमचे हैं, ध्रुव राठी जो जिसने कहा है, ध्रुव राठी ने कहा है कि इंडिया जो जो इलेक्ट्रोनिक बांड है जो मिला है पैसा वो बीफ का मिला है, वो बीफ की नहीं है, ध्रुव राठी ने बोला है कि बीफ की कंपनी इनको बांड पैसा दी है, लेकिन वो बीफ कंपनी नहीं है, वो बफेलो नान नान बोन बफेलो पैसा है, ठीक है कंपनी, उससे पैसा मिला हुआ है, और ये बोलते हैं बता रहा हूँ डिक्टेटर, बता रहा हूँ ये कह रहे डिक्टेटरशिप ये नहीं होती कि हम नहीं बोल पाते, संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया, मोदी जी वही संविधान खत्म करना चाहते हैं ताकि हम बोल ना सके, कह रहे संविधान खत्म करना चाहते हैं, संविधान अधिकार खत्म करना चाहते हैं, कुछ नहीं खत्म होगा, संविधान तब खत्म होगा जब इनकी सारी पार्टियां कर्नाटक में ईवीएम कहाँ चला जा रहा है, हरियाणा में कहाँ चला जा रहा है, बंगाल में कहाँ चला जा रहा है, जहाँ पर जीत रहे हैं जीत रहे वहाँ ईवीएम नहीं चला जा रहा है, जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम चला जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, इसमें कह नहीं बोल पाती है, 400 पार अगर हो गई तो ये पार हो, 400 पार हो चाहे ना पार हो, बस इतना हमको पता है, 400 पार हो चाहे जो होना हो आएगी, आना तो मोदी को ही है, शरीर खाली एक है, अगर नहीं आई तो ये लोग, इसीलिए इस देश का प्रधानमंत्री संविधान और लोकतंत्र से डरता है, इसीलिए उसको खत्म करके हमारी आवाज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं कि देखिए 400 अगर सीटों की बात कर रहे हैं, अगर बीजेडी को मिला दे तो 400 का आंकड़ा वैसे फिर तो बैठ ही रहा है, 360 तो पहले से ही है, अब भाई बीजेडी को मिला के 400 पार तो अगर बदलना होता पहले बदल देते। देखिए मोदी जी की बौखलाहट है, जो आज का प्रशासन का काम है वो मोदी जी का बौखलाहट साबित होती है कि पुलिस प्रशासन
वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के बाद वोट देने नहीं दे रहा है और फाड़ के फेंक दे रहा है। संभल से लेकर मैनपुरी से लेकर जितने चुनाव आज हुए हैं हर जगह मीडिया की रिपोर्ट है। मीडिया ने वीडियो पे दिखाया सबके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड पासपोर्ट तीन आईडी लेने ले जाने के बाद भी इस देश का तनाशाह प्रधानमंत्री प्रशासन के जरिए वोट नहीं डालने दे रहा है, वोट का अधिकार छीन रहा है। अगर अगर इसको तनाशाह कहते हैं तो हमको मंजूर है क्योंकि इनको लगा तनाशाह है, ये तनाशाह इसको नहीं कहते। एक बार ने 20 बार बोले और चमचे अच्छे हैं, चमचों से अच्छे तो अच्छे ही हैं। चमचा जाएगा जेल में पक्का है कन्फर्म। और ये बात ये लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि जेल में इनको लगता है जेल में। भाई जब 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 करुणानिधि जेल में गए, सूरज प्रभु जेल में गए, हाँ सूरज प्रभु जेल में गए, मायावती के ऊपर केस हुआ, मुलायम के ऊपर केस हुआ, राहुल गांधी जब जेल गई तब कोर्ट ने कराया, तब और पार्टियां नहीं कराई। अब जब सीएम जेल में गया, केजरीवाल जेल में गया, तब मोदी ने कराया, कोर्ट ने जेल में गया, कोर्ट के नाते जेल गया। पवार का भतीजा क्यों नहीं गया? और जिसको एक दिन पहले मोदी जी कह रहे चक्की पीसिंग कर रहे थे, अगले दिन वॉशिंग मशीन में पीस दिया और सफेद बन के निकाल दिया। वॉशिंग मशीन का आरोप बड़ा गंभीर लगता है, कह रहे भाजपा में आते ही पवित्र होते हैं। भाजपा में पवित्र नहीं होते, उनको रियलिटी मालूम चल जाता है। उनको देखो गलती मालूम चल गया उनको कि हाँ चोर है। भाई आपका एक इंसान दो बार आया, दस ले क्यों रहे हैं? चोर नहीं है, चोर है, देखो चोर है, ठीक चलो चोर थे वो, उनको हम चोर नहीं बोले। हम तुम्हारी भाषा हो तुम चोर बोलो, हमें कोई ठीक है। कारण क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं पार्टी छोड़ रहे हैं? तुम उनको चोर बोलो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी चाहते थे ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं का इधर परिवर्तन, तो वो करा लिए। ईडी सीबीआई शासन प्रशासन के जरिए नेताओं का इधर परिवर्तन करा लिए, लेकिन इस देश की जनता की परिवर्तन मोदी जी ईडी सीबीआई तानाशाही से नहीं करा पा रहे हैं। ईडी सीबीआई की वजह से ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं और क्या, जनता सारे भ्रष्ट, सबके सब भ्रष्ट है जो भाजपा में शामिल हो। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, सवाल फिर सवाल ये बनता है, अगर आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की वजह से ये भाजपा में आ गए हैं, इसका मतलब सारे भ्रष्ट थे, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण क्यों दे रही थी? क्या कारण था कि अभी तक वो संरक्षण में थे? जनता पार्टी के कम से कम 80% नेता भ्रष्ट हैं। अगर अभी आपने कहा कि जो जो अभी आपने कहा अभी आपने कहा कि जो जो लोग सर अभी आपने कहा कि जो जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वो ईडी सीबीआई के डर से आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग भ्रष्ट थे, घोटालेबाज थे, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी उन्हें संरक्षण क्यों दे रही थी? क्या कारण है कि पार्टी में सुरक्षित थे? इस देश के 90% राजनेता भ्रष्ट हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के भ्रष्ट हैं, ये तानाशाही है। बीजेपी के नेताओं को वॉशिंग मशीन चले जाते हैं, सर्टिफिकेट पार्टियां भारतीय जनता पार्टी कितने ईडी सीबीआई छापे पड़े, भारतीय जनता पार्टी कितने नेताओं पे पड़ा भाई? नहीं है तो कहे पड़ेंगे सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है? लालता प्रसाद। क्या लग रहा है लालता जी, 24 का चुनाव है, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? बहुत बातें हो रही है चुनाव को लेके कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर मोदी जीत गए देश में आग लग जाएगी। देखिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा न शिक्षा पे वोट मांगा जा रहा, न चिकित्सा पे वोट मांगा जा रहा, न रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगा जा रहा। जब जूते शोरूम में जाएंगे, किताबें रोड पर बिकने लगेंगी, तो ये वर्तमान स्थिति देश की पता चल जाती है।